हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट क्लास में ग्राफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए थे, तो आज भी हम उनमें से एक क्वेश्चन ही करने जा रहे हैं। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। जो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं उसका ग्राफ मैंने आपके सामने बना दिया है ऑलरेडी। अब ध्यान से देखिए आगे हमको क्या करना है, क्वेश्चन क्या पूछा है इन्होंने हमसे। इन्होंने हमसे ये वर्कशीट का क्वेश्चन है, पेज नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, मैं लिख देती हूँ। आप चाहें तो ग्राफ को उसमें से भी टैली कर सकते हैं। पेज नंबर 6 पर है ये आपके नोट्स में, एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इन्होंने इस ग्राफ से रिलेटेड कौन कौन सी बातें पूछी हैं हमसे और इसमें क्या क्या मेंशन है, देखिएगा। सबसे पहली बात कि जो इन्होंने y एक्सिस पर यूज करी है, दिस इज स्पीड विच इज गिवन हेयर इन किलोमीटर पर आवर, और जो x एक्सिस पर यूज किया गया है वो है टाइम, एंड टाइम इज हेयर इन आवर्स। ओके, देखिए आगे। अब जो इन्होंने ग्राफ से रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है, अकॉर्डिंग टू विच द क्वेश्चन इज व्हाट इज द इनिशियल स्पीड ऑफ द कार। तो हमसे इस क्वेश्चन के पार्ट ए में पूछा गया है इनिशियल स्पीड ऑफ कार, इनिशियल स्पीड ऑफ कार। इनिशियल स्पीड का मतलब देखें ध्यान से, आपका ग्राफ का इनिशियल पॉइंट कौन सा है। आपके ग्राफ का इनिशियल पॉइंट है पॉइंट ए, और पॉइंट ए से बी पर पहुंचे। ये ए बी फर्स्ट ग्राफ, बी सी सेकेंड ग्राफ, और सी डी थर्ड ग्राफ। इज इट ओके? मतलब दिस ग्राफ इज अ मिक्सचर ऑफ थ्री ग्राफ्स, थ्री ग्राफ का मिक्सचर है ये। ठीक है, तो पॉइंट ए इज द इनिशियल पॉइंट, एंड वॉट एवर द वेलोसिटी एट द पॉइंट ए इज दैट विल बी कंसीडर्ड एज द इनिशियल स्पीड। ओके, सो लुक है, इनिशियल स्पीड हमें जाननी है कार की। ए पॉइंट की स्पीड विल बी कंसीडर्ड एज द इनिशियल स्पीड। ए पॉइंट पर वैल्यू कितनी दे रखी है, 10। तो बस कुछ भी नहीं करना, नो कैलकुलेशन इज रिक्वायर्ड, डायरेक्टली आंसर हैज टू बी रिटन। इनिशियल स्पीड ऑफ कार विल बी इक्वल टू 10 किलोमीटर्स पर आवर। वॉट एवर द यूनिट इज देयर इन द ग्राफ, ओनली दैट हैज टू बी रिटन। ओके, चलिए अब हम पार्ट बी सॉल्व करते हैं। पार्ट बी में इन्होंने हमसे पूछा है व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड अटेन्ड बाय कार। मैक्सिमम स्पीड कितनी अटेन की जा रही है कार के थ्रू। तो देखें कहां से शुरू हुई थी, 10 से, बढ़ते 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 कहां पहुंच गई, यहां। दिस इज समवॉट लोकेटेड इन द सेंटर पॉइंट ऑफ 30 to 35। तो हमने इसे अपने हिसाब से वैल्यू दे रखी है विच इज एग्जैक्टली द एवरेज वैल्यू ऑफ दीज टू, 32.5। सेंटर वैल्यू हमने लिख दी है 32.5। क्या इसके ऊपर जा रहा है आपका ग्राफ, नहीं। मतलब जो कार ने मैक्सिमम स्पीड अटेन की है वो कितनी लिख देंगे आप, बिल्कुल डायरेक्ट आंसर बिना किसी कैलकुलेशन के। कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, ग्राफ देखते ही हमको पता लग रहा है। अब आ जाएं आप इस क्वेश्चन के पार्ट सी पर। तो चलिए पार्ट सी पर चलते हैं। विच पार्ट ऑफ द ग्राफ शोज जीरो एक्सीलरेशन। इन्होंने हमसे बस ये बात पूछी है कि जीरो एक्सीलरेशन कहां से कहां तक है। तो देखें ध्यान से, जीरो एक्सीलरेशन का मतलब ये होता है, वैसे तो हमको बहुत अच्छे से पता है इसके अलग अलग मतलब अलग अलग तरीकों से, पर अगर ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाहें हम, तो जीरो एक्सीलरेशन का मतलब होता है नो स्लोप ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। स्लोप नहीं होना चाहिए, इज इट ओके? तो क्या ऐसी कोई लाइन दिखाई दे रही है जिसमें स्लोप ना हो, क्या वो लाइन ए टू बी है, नहीं। क्या बी टू सी है, यस। क्या सी टू डी है, नो।
मतलब सिर्फ एक ही हिस्सा हमको ऐसा दिखाई दे रहा है इस ग्राफ में जिसमें स्लोप है ही नहीं, तो वो लाइन कौन सी है? वो लाइन है BC। बस आंसर इज दिस मच ओनली, इतना ही लिखना था बस, ठीक है। चलिए तो पार्ट डी पर आ जाएं। पार्ट डी में इन्होंने हमसे पूछा है विच पार्ट ऑफ द ग्राफ शोज वराइंग, आगे क्या पूछा है? रिटार्डेशन। बहुत ध्यान से देखेंगे इस वाले पार्ट को, कंफ्यूज मत होइएगा इस वराइंग वर्ड से, इसका मतलब है जो बदलता रहे। इज इट ओके? बदले कैसे? नॉन यूनिफॉर्मली, है ना, एक्सेलरेशन भी है और वो बदल भी रहा है, तो नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का ग्राफ ढूंढना है आपको आपके क्वेश्चन में से। रिटार्डेशन का मतलब तो याद है ना, जहां पर स्पीड कौन से ऑर्डर में जानी चाहिए? डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ज्यादा से कम हो जानी चाहिए। और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब ग्राफ कैसा होना चाहिए? कर्व्ड लाइन। ओके, तो देखिए क्या आपका ग्राफ सी से डी तक वराइंग रिटार्डेशन शो कर रहा है? बिल्कुल। वराइंग क्यों? क्योंकि कर्व्ड लाइन है। और रिटार्डेशन क्यों? क्योंकि ग्राफ ऊपर से नीचे आ रहा है। सो द ग्राफ विच वी कैन सी फ्रॉम द क्वेश्चन विच शोज नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन इज CD। तो फर्स्ट फोर क्वेश्चंस तो हो गए हमारे, आंसर्स आर हेयर इन फ्रंट ऑफ यू, पर हमें जो कैलकुलेशन का काम करना है वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो चलिए इसको रफ कर देते हैं। आपने नोट कर लिया हो तो ठीक बात है, वरना आप इसे पॉज करके नोट डाउन जरूर करें। तो चलिए हम आगे कोशिश करते हैं जानने की। देखिएगा, अब हमको जो काम करना है 7th का 5th पार्ट सॉल्व करना है, और इसमें क्या करना है? फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द फर्स्ट 8 आवर्स। लिख देती हूँ मैं क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट 8 आवर्स। अब हमें डिस्टेंस की कैलकुलेशन करनी है फर्स्ट 8 आवर्स में, शुरुआती 8 आवर्स में। इज इट ओके? देखिएगा कहां से शुरू हो रहा है ग्राफ, यहां से पॉइंट ऑफ ओरिजिन, ऐसे तो ऐसे शुरू हो रहा है, पर अगर आप देखेंगे तो ए पर भी टाइम कितना है? 0 सेकेंड। इज इट ओके? तो यहां से शुरू हुआ और 8 आवर्स तक की कैलकुलेशन हमें करनी है, उसके बाद की हमें करनी भी नहीं है, और अगर ये कहते भी सही तो वो हमारे लिए पॉसिबल भी नहीं था, क्योंकि फिर जो ग्राफ है वो कर्व्ड लाइन बन गया था, तो क्यों पॉसिबल नहीं था जानते हैं, और क्या करना है वो भी जानते हैं। हमें यहाँ पर डिस्टेंस ट्रेवल्ड कैलकुलेट करना है फर्स्ट 8 आवर्स में। ग्राफ कौन सा गिवन है? स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ। क्या आप स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ से डिस्टेंस की कैलकुलेशन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिएगा डिस्टेंस की कैलकुलेशन कैसे की जाएगी। डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया, याद रखनी है ये बात जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी, है ना। एरिया निकालना पड़ेगा आपको, कौन से ग्राफ का एरिया निकालना पड़ेगा? स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ का। अगर आप एरिया कैलकुलेट कर लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? डिस्टेंस। कहां से कहां तक एरिया कैलकुलेट करेंगे? फर्स्ट 8 आवर्स के लिए। फर्स्ट 8 आवर्स तक ग्राफ कहां से कहां तक है आपका? ए से शुरू हुआ, ए टू बी इन्वॉल्व है क्या फर्स्ट 8 आवर्स में? यस। बी टू सी भी इन्वॉल्व है क्या? यस। मतलब आपको ये वाला एरिया निकालना है। निकाल सकते हैं क्या आप इसका एरिया? बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या है ये? ट्राइंगल, रेक्टेंगल, या फिर क्या चीज है ये? क्या दिखाई दे रहा है आपको ये? यहाँ पर कुछ दिखाई दे रहा है ऐसा ट्राइंगल रेक्टेंगल जैसा? तो हम कैलकुलेट कर लें, कैलकुलेशन कर लें? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा।
तो फिर कैसे करना होगा हमको ये काम, किस तरीके से किया जाए, ये देखिएगा ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर इस पूरे एरिए को हमें कैलकुलेट करना है, तो कैसे किया जाएगा इस एरिए को कैलकुलेट, डिस्टेंस कैसे निकाला जाएगा। इसके लिए हमें कैलकुलेशन दो पार्ट में करनी पड़ेगी, डिस्टेंस की कैलकुलेशन कैसे दो पार्ट में करें। देखो ओ ए बी सी, डी को इग्नोर करो क्योंकि हमारे ग्राफ का फिलहाल हिस्सा नहीं है। इस पॉइंट को नाम दे ई और इस पॉइंट को नाम दे एफ। तो पहले हम एरिया कैलकुलेट करेंगे इसका, दिखाई दिया आपको ये वाला फिगर, ये वाला फिगर, मैं इसको शेड भी कर रही हूँ, ये वाले एरिया को कैलकुलेट करना है। क्या लिखें हम इसे, चलिए मेंशन करते हैं, एरिया लिखने जा रहे हैं हम। क्या है ये फिगर, क्या है ये, ट्राइंगल है क्या या फिर रेक्टेंगल है? ना तो ट्राइंगल है और ना ही रेक्टेंगल है, ये है ट्रेपेजियम। क्या है ये ट्रेपेजियम है जी। तो पहले तो हम इस ट्रेपेजियम का एरिया कैलकुलेट करेंगे, क्या नाम है इसका, चलो नाम भी लिख देते हैं। इसका नाम है, देखना मैं सही तो लिख रही हूँ ना, ओ ए बी एफ, सही लिखा है क्या, ओ ए बी एफ, यस बिल्कुल सही। प्लस जो हमें कैलकुलेशन करनी है, वो हमको कैलकुलेशन करनी है एरिया ऑफ दूसरा बचा हुआ फिगर। दूसरा बचा हुआ फिगर क्या है, बी सी ई एफ है क्या, ट्रेपेजियम, नो इट्स रेक्टेंगल नाउ। ओके चलिए तो लिख देते हैं, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऑल्सो हैज टू बी कैलकुलेटेड एंड द नेम ऑफ रेक्टेंगल इज बी सी ई एफ। तो क्या आपको दोनों फिगर्स दिखाई दे रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम दिस, एक साथ तो कैलकुलेट कर नहीं सकते थे तो हमने दो हिस्सों में बांट लिया, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इज इट ओके। तो आप चाहें तो वन बाय वन दोनों को कैलकुलेट कर लें और फिर ऐड कर दें, इज इट ओके। क्या मिल जाएगा आपको ऐसा करने से, ऐसा करने से हमको मिल जाएगा डिस्टेंस। तो चलिए कैलकुलेशन करते हैं हम। डिस्टेंस की कैलकुलेशन के लिए पहले एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकाल लेते हैं। पर आपको फॉर्मूला याद है क्या ट्रेपेजियम के एरिए का, थोड़ा लंबा फॉर्मूला होता है इसका, तो मैं लिख देती हूँ, याद है तो बढ़िया, रिवाइज हो जाएगा, और नहीं है तो याद कर लीजिएगा। ये जो फिगर होता है ऐसा वाला, दो पैरेलल साइड्स वाला, कवर्ड बाउंडेड विद द फोर साइड्स, इस फिगर को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ट्रेपेजियम। सो लुक हेयर वेरी केयरफुली, ट्रेपेजियम के एरिए का फॉर्मूला होता है सम ऑफ पैरेलल साइड्स, बहुत ध्यान से देखना, इनटू हाइट, और इसको हमें डिवाइड करना होता है टू से, बहुत ध्यान से देखिएगा। ध्यान से देखने की बात यह है कि पैरेलल साइड समझ में आई क्या, बिल्कुल समझ में आ गई, ये है पैरेलल साइड्स, फर्स्ट एंड सेकंड, इज इट ओके, लिख दें, चलो लिख देते हैं। एरिया कैलकुलेट होने वाला है सम ऑफ पैरेलल साइड्स। हमारे ग्राफ में कौन कौन सी पैरेलल साइड्स दिखाई दे रही हैं, एक तो है ये ओ ए और दूसरी है बी एफ, इज इट ओके। तो चलिए लिख देते हैं, ओ ए प्लस बी एफ डिवाइडेड बाय टू इनटू हाइट भी तो करना है। अब हाइट का जो मतलब हमें यहाँ समझ में आता है वो ये समझ में आता है, हाइट का मतलब हमारे तो दिमाग में ही फिट है साइकोलॉजिकली कि दिस शुड बी द हाइट, बस यहीं पर हम गड़बड़ कर देते हैं, पर आप मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पर हाइट का मतलब ऐसे नीचे से ऊपर नहीं जाना है इस फॉर्मूले में, यहाँ पर हाइट का मतलब है, हाइट का मतलब इन दोनों परपेंडिकुलर, सॉरी इन दोनों पैरेलल साइड्स के बीच का डिस्टेंस, इसे यहाँ पर हाइट बोला जाता है। तो आप देख लीजिए कि यहाँ पर हाइट क्या है, इन दोनों पैरेलल साइड्स के बीच का डिस्टेंस, मतलब जो हाइट है
वो आप यहाँ पर कितनी मेंशन करेंगे, ओ एफ, दिख रहा है ना, मैच करते जाना, यहाँ पर लिखी हुई वैल्यू, यहाँ पर लिखा हुआ फॉर्मूला और यहाँ पर लिखी हुई वैल्यूज, सब मैच करना है, आप ही का काम है ये। ओके, तो चलिए आगे करते हैं। ओ ए की वैल्यू आप जरा ढूंढें वहाँ से, मुझे तो दिखाई दे चुकी है, दिस इज 10, 10 दिखाई दे रही है ना, ये रही ओ ए, इट इज 10। ओके, आगे देखिए, नेक्स्ट हमको कैलकुलेशन करनी है बी एफ। कैलकुलेशन क्या, देखकर पता लगानी है। ये रही बी एफ की वैल्यू, यहाँ से यहाँ तक कितनी है, ये हमने मेंशन कर रखी है, कितनी है ये वैल्यू, 32.5, लिख दें, चलिए लिख देते हैं, दिस इज 32.5, और किससे डिवाइड करना है, 2 से, और मल्टीप्लाई किससे करना है, ओ एफ से, ये रहा आपका ओ एफ, कितना है, 3। ओके, तो चलिए हम 3 लिख देते हैं यहाँ पर, करें आगे कैलकुलेशन, करते हैं, 10 प्लस 32.5 हमको बहुत बढ़िया तरीके से आता है, दिस इज 42.5 अपॉन 2 इंटू 3। ओके, ये डेसिमल हटा दीजिए और हटा करके आप यहाँ पर 10 लगा दीजिए, थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर लेते हैं और एरिया को डेसिमल की टर्म्स में कन्वर्ट भी कर लेते हैं। तो जो वैल्यू हमें मिली है वो कितनी मिली है, देखते जाइएगा, यहाँ पर 425 डेसिमल हटा दिया जा चुका है, इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 10, कुछ कैंसिल हो सकता है अगर तो कर देते, बिल्कुल हो सकता है, दिख रहा है हमको, ये 425 और 10 दोनों कैंसिल हो जाएंगे 5 की टेबल से, यस, दिस इज 5 2 10 एंड दिस इज, ये हो जाएगा यहाँ पर 85 टाइम्स, इज इट ओके। तो चलिए आगे का काम कर देते हैं। अब आपको इस न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, कर दीजिए मल्टीप्लाई। तो 85 को आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से करना है, कर दीजिए, 5 3 15 और ये यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 255। तो हमें जो वैल्यू मिली वो मिली 255 अपॉन 4 एंड दिस इज इन किलोमीटर्स। ये किलोमीटर्स कहाँ से आ गया, सुनिएगा ध्यान से, हमने यहाँ पर एरिया कैलकुलेट करा है और एरिया से क्या मिलता है, डिस्टेंस, और डिस्टेंस हमें यहाँ पर किस में मिलेगा, किलोमीटर्स में। किलोमीटर्स में क्यों, मीटर्स में क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो स्पीड गिवन है वो किस में गिवन है, किलोमीटर पर आवर में, इसलिए हमारा आंसर भी किस में आएगा, किलोमीटर्स में आएगा। तो ये जो अभी हमने काम किया है, दिस इज डन ओनली फॉर दिस ट्रेपेजियम। अब इस रेक्टेंगल का एरिया भी कैलकुलेट करना है, फिर ऐड कर देना है, तो अभी हमें ये रफ करना पड़ेगा तो ही काम होगा। तो मैं इसको रफ करने जा रही हूँ, जो काम हमारा हो चुका है वो है ट्रेपेजियम का एरिया, और याद रखेंगे आप इस वैल्यू को, 255 अपॉन 4, इज इट ओके। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ये अब आप समझ चुके हैं, इसको हटा देते हैं यहाँ से, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हमारा आया है 255 अपॉन 4, ये याद रहे इसीलिए यहाँ लिखा गया है, किसमें आई है ये वैल्यू, किलोमीटर्स में। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, दिख रहा है ना रेक्टेंगल वहाँ पर भी, तो अब हम कैलकुलेशन करने जा रहे हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए, देखिएगा ध्यान से, रेक्टेंगल का फॉर्मूला तो हमें बहुत अच्छे से याद है, व्हाट इट इज, लेंथ इंटू ब्रेथ। ओके, देखिएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ को आप बी एफ इंटू एफ ई लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, तो हमने लिख दिया बी एफ इंटू एफ ई, वैल्यूज देखिएगा, बी एफ की वैल्यू आपको दिखाई दे रही है क्या, ध्यान से देखें बोर्ड पर, मुझे तो दिख रही है, आप भी देखें,
बी एफ की वैल्यू 3 लिख दें क्या? नहीं. फिर क्या लिखेंगे? ये कितनी है ये वैल्यू? 32.5. तो हमें वैल्यू मिली 32.5. एफ ई की वैल्यू दिख रही है क्या आपको? एफ ई 8. नो, इट्स नॉट 8. एफ ई मतलब ये वाली वैल्यू 8 - 3, मतलब आपकी वैल्यू जो आई है एफ ई की, दिस इज 5. ओके, चलिए डेसिमल हटा देते हैं और यहाँ पर 10 लगा देते हैं. ओके, कुछ कैलकुलेशन हो जाए तो बढ़िया, थोड़ी बहुत सिंप्लीफाई. ये 5 के टेबल से कैंसिल हो जाएगा और आंसर हमें मिलेगा 325 अपॉन 2 किलोमीटर्स. क्या हो चुकी है टोटल डिस्टेंस की कैलकुलेशन? नहीं, अब करनी है. तो ये एक वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, ये दूसरी वैल्यू आ चुकी है. एरिया ऑफ ट्रेपेजियम और एरिया ऑफ रेक्टेंगल को ऐड कर दो तो क्या मिल जाएगा? टोटल डिस्टेंस इन 8 आवर्स. तो देखिएगा, तो नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द फाइनल टोटल डिस्टेंस फॉर 8 आवर्स. उसके लिए दोनों वैल्यूज को ऐड करेंगे. एरिया ऑफ ट्रेपेजियम यहाँ पर लिखा हुआ है, हम इसे भूले ना, इसलिए लिखी गई है ये वैल्यू 255/4 प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये अभी अभी हमने निकाला, कितना है? 325/2. डिस्टेंस किस में आएगा? किलोमीटर्स में. कारण पता है ना किलोमीटर्स में क्यों आएगा. अब मैं उस ग्राफ को रफ करने जा रही हूँ, कैलकुलेशंस हम कंप्लीट करेंगे एंड वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन फर्स्ट 8 आवर्स. चलिए, तो कैलकुलेशन तो आपको बहुत अच्छे से आती है, फिर भी मैं बोर्ड पर कर रही हूँ. हो सके तो आप मुझसे पहले कर लेना, है ना, वीडियो पॉज करके आप अपनी कैलकुलेशन कर लीजिएगा. ओके, तो 4 और 2 का एलसीएम लेना है हमको. आप इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, इसे डेसिमल में कन्वर्ट कर दो, इसे डेसिमल में कन्वर्ट कर दो एंड ऐड बोथ ऑफ देम, दैट कैन आल्सो बी डन. ओके, तो 4 और 2 का एलसीएम अगर हम लें तो क्या वैल्यू आएगी? 4. जो यहाँ न्यूमरेटर में बचेगा, याद है ना कैसे बचता है? दिस 4 हैज टू बी डिवाइडेड बाय दिस 4, क्या आता है? 1. और उस 1 को इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देना होता है, तो क्या हो जाता है? 255. इज इट ओके? प्लस 4 को 2 से डिवाइड करना होगा, क्या आएगा? 2. और उस 2 को इससे मल्टीप्लाई कर देना होगा तो क्या आएगा? आप प्लीज जरूर करिएगा, दिस इज 650. कितना आ जाएगा? 650 आ जाएगा. अब इन दोनों वैल्यूज को हमें ऐड करना है और फिर 4 से डिवाइड कर देना है. तो चलिए, कैलकुलेशन चल रही है हमारी. किसकी कैलकुलेशन चल रही है? डिस्टेंस की. और डिस्टेंस की कैलकुलेशन के लिए अब इन दोनों को हमें ऐड करना है. ध्यान से करिएगा ऐड. ये हमें मिला 5 और ये हमें मिला 0 और फिर हमें मिल जाएगा 9. तो हमें आंसर मिल गया 905 और 905 को हमें अभी भी डिवाइड करना बाकी है. किससे? 4 से. तो मैं डिवाइड भी कर रही हूँ आपके सामने, तो देखिएगा, ये हम डिवाइड करने जा रहे हैं 905 को 4 से डिवाइड करने जा रहे हैं. देखिएगा ध्यान से, 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें, यस, क्या आ जाएगा हमारा आंसर? 8. और यहाँ पर 9 - 8 कितना हो जाएगा? 1. दिस इज 0. दोबारा से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 को, 4 - 2 = 8. दोबारा से 10 - 8 क्या हो जाएगा? यहाँ पर 2 हो जाएगा एंड दिस इज 5. अब आपको फिर से डिवाइड करना है तो 4 - 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या आ जाएगी यहाँ पर वैल्यू? 4 - 6 = 24. और ये 5 - 4 कितना बचेगा? 1.
यहाँ पर क्रॉस, ये डेसिमल लगा दिया हमने, ज़ीरो लगा देंगे डेसिमल लगाते ही, फोर को फिर टू टाइम्स करेंगे और ये एट, दिस इज़ टू, नथिंग, एंड दिस इज़ अगेन ज़ीरो, एंड फोर फाइव ज़ा 20. तो ये आ गया हमारा आंसर, एंड दिस इज़ 226.25. क्या है ये डिस्टेंस, किस में आएगा, किलोमीटर्स में. तो ये आ गया आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट 8 आवर्स. तो कैलकुलेशन थोड़ी लंबी थी, आराम से देखें बोर्ड पर से इसको. डिवीजन इज ऑल्सो डन इन फ्रंट ऑफ यू. तो हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, आप इसको नोट डाउन करें, प्रॉपरली नोट डाउन करें, इज इट ओके. और नेक्स्ट क्लास में हम कोई नया टॉपिक शुरू करेंगे, दैट विल सी इन द नेक्स्ट क्लास. ओके, सो बाय एवरीवन.